أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقال جل وعلا في مقام آخر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سأله جبريل عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك رواه البخاري ومسلم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوالذي نفس أبي القاسم بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته رواه أحمد اللہ رب العالمین کے بے شمار اچھے اچھے نام اور صفات ہیں ان اچھے اچھے اسماء اور صفات ناموں اور صفتوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں تم ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا کرو اللہ کو پکارو اور اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا علم بھی انسان کے ایمان میں یقین میں اضافے کا باعث بنتا ہے بندے کو اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور بہتر سے بہتر طریقے سے بندگی بجا لاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الرقیب ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا یہ نام قرآن مجید میں تین دفعہ ہے ایک دفعہ سورہ نساء کے اندر اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا بے شک اللہ ہمیشہ سے تم پر نگہبان ہے محافظ ہے تمہارے احوال سے باخبر ہے اور دوسرا مقام سورہ مائدہ کے اندر جہاں اللہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے مقابلے میں دو معبود بنا لینا تو آگے سے عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ اے اللہ میں نے تو انہیں یہ بات نہیں کی میں نے تو انہیں وہی بات کی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک صرف وہی عبادت و بندگی کے لائق ہے اس کے سوا کوئی معبود کائنات میں نہیں ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ
और मैं उन पर गवाह रहा, उन पर हाजिर रहा जब तक मैं उनके अंदर मौजूद रहा। फलम्मा तवफ़ैतनी, और फिर जब तूने मुझे अपने पास बुला लिया, कब्ज़ कर लिया, उठा लिया, कुन्त अंतर रकीब अलैहिम, फिर मैं नहीं तू उनका निगेबान था। और तीसरा मकाम सूरह अहज़ाब के अंदर है जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं वकान अल्लाह अला कुल्ली शैई रकीबा, अल्लाह हर चीज़ के ऊपर रकीब है, निगेबान है, मुहाफिज है। रकीब का माना इन आयात की रोशनी में समझ आ रहा है, यह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ये अल्लाह की सिफात में से एक सिफत है, और इसका माना और मफहूम ये है कि अल्लाह हमारे जाहिर को और बातिन को खूब जानने वाला है। हम हर वक्त जिन्नो इंस बल्कि कायनात की हर मखलूक, कायनात का हर जर्रा, हर गोशा, हर चप्पा अल्लाह की निगरानी और निगेबानी में है। वमा यअज़ुबु अर रब्बिका मिन मिथ्क़ाल ज़र्रतिन फिल अर्द वला फिस समा वला असगरु मिन ज़ालिका वला अकबरु इल्ला फी किताबिन मुबीन। सूरह यूनुस में अल्लाह फरमाते तेरे रब से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, राई के दाने के बराबर, इससे छोटी, इससे बड़ी, आसमानों में, जमीनों में। इन्नल्लाहा ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। सूरह आले इमरान में फरमाया कि अल्लाह पर कोई चीज मख्फी नहीं है, ना जमीन में ना आसमानों में। वइंदहु मफातिहुल गैब यालमु मा फिल बर वल बहर, खुशकियों में, समंदरों में, फिजाओं में, आसमानों में, जमीनों में जो कुछ है जानता है। वमा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यालमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। कायनात के अंदर लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों दरख्त हैं, उन दरख्तों के आगे पता नहीं कितने पत्ते हैं, और उन पत्तों में से एक पत्ता भी अगर गिरता है उसको भी मेरा रब जानता है। जमीन की गहराइयों में, अंधेरों में छुपा हुआ कोई दाना है, कोई खुश्क चीज है, कोई तार चीज है, मेरा रब उसे जानता है। तो अल्लाह की यह सिफ्त बंदे को क्या एहसास दिलाती है? कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं वतवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम, तू उस गालिब और रहम करने वाले पे भरोसा कर, अल्लज़ी यराका हीन तकूम, जो तुझे देख रहा होता है जब तू नमाज में क़याम के लिए खड़ा होता है, नमाज पढ़ने के लिए जब खड़ा होता है, तू क़याम कर रहा होता है, तू हाथ बांधता है, तू रफ़ुल यदैन करता है, तू किरत करता है, तू नमाज का जो भी अमल करता है, यराका, तेरा रब तुझे देख रहा होता है। इसीलिए हदीस मुबारक में आता है ना कि नमाजी को नमाज में अपनी तवज्जो अपने सामने, अपने आगे रखनी चाहिए, इधर उधर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रब्बुल आलमीन की उस पर निगाह होती है। वतकल्लुबका फिस्साजिदीन, और फिर जब तू सजदा करने वालों के साथ मिलकर सजदा करता है, तेरा उठना, तेरा बैठना, तेरा रब उसको भी देख रहा है। रब से तेरा कोई अमल मख्फी नहीं है। ये मुखातिब कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और हमें समझाया जा रहा है, हमें बतलाया जा रहा है, हमारे दिलों में यह एहसास पैदा किया जा रहा है कि तुम्हारी कोई इबादत, तुम्हारी कोई नेकी, तुम्हारा कोई गुनाह, तुम्हारा कोई अमल अल्लाह से छुप नहीं सकता। यस्तख़फून मिनन नास वला यस्तख़फून मिन अल्लाह वहुवा माअहुम इज़ युबय्यितून मा ला यरदा मिनल क़ौल।
एक जगह अल्लाह सूरह निसा में मुनाफिकीन का तज़किरा करते हुए, ये लोगों से छुपते हैं, फलाना सुन ले, फलाना सुन ले, फलाना सुन ले, फलाना देख ले, फलाना देख ले। वला यस्तखफून मिन अल्लाह, अल्लाह से नहीं छुपने की कोशिश करते। वहुवा माहुम, हालांकि वो तो इनके साथ होता है। इज युबय्यितून मा ला यरदा मिन अल-क़ौल, जब ये रात की तन्हाइयों में ऐसी सरगोशियां कर रहे होते हैं, ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं, अल्लाह इनकी वो बातें सुन रहा होता है, अल्लाह इन्हें देख रहा होता है। يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم, आसमान से क्या उतर रहा है, आसमान की तरफ क्या जर रहा है, जमीन में क्या दाखिल हो रहा है, जमीन से क्या निकल रहा है, معكم نحن أقرب إليه من حبل الوريد, ये बंदी की जो शारग होती है सबसे ज्यादा करीब होती है। अल्लाह फरमाते हैं हम शहरग से भी ज़्यादा उसके करीब हैं। हमारा इलम, हमारी समा, हमारी बसर, हमारी कुदरत, अगरचे अल्लाह अपनी ज़ात के साथ अर्रहमानु अलल अर्शिस्तवा, अर्श पे मुस्तवी है, लेकिन अल्लाह का इलम, अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की सिफत समा और सिफत बसर इतनी कवी, इतनी आला और इतनी अगलब है कि अर्श पे मुस्तवी होने के बावजूद अल्लाह कायनात के अंदर होने वाली हर बात सुन भी रहा है और हर अमल देख भी रहा है। अब इस सिफत का तकाजा यह है कि बंदा भी अपनी तवज्जो, अपना ध्यान हर वक्त अपने खालिक के हकीकी की तरफ रखे, जिसको कहते हैं मुराकबा। क्योंकि अल्लाह रकीब है और ये सिफत सिर्फ उसी को जचती है, उसी के लायक है। हमने क्या करना है, हमने मुराकबा करना है। मुराकबा का माना हर वक्त दिलो दिमाग में ये ख्याल रखना है कि मेरा कोई भी अमल मेरे अल्लाह से मख्फी नहीं है। अल्लाह से पोशीदा नहीं है। हदीस जिब्रील में जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंसानी शक्ल में आए थे और सवाल किए थे ना, तो तीसरा सवाल एहसान के बारे में था। अल्लाह के रसूल बताइए एहसान क्या होता है, फरमाया अंत अबुदल्लाह का अन्न का तरा। एहसान यह है कि तुम अल्लाह की बंदगी ऐसे करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तराहू फ़इन्नहु यराक, और अगर ये कैफियत पैदा ना हो सके तो फिर ये कैफियत पैदा करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये है मुराकबा, यानी हर वक्त दिल के अंदर बंदा मोमिन को ये कैफियत और ये एहसास रखना चाहिए कि मैं अल्लाह की बराह रास्त निगरानी में हूँ, अल्लाह की नजर में हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को नसीहत किया करते थे, सुनन अबी दाऊद की रवायत है, इत्तकिल्ला हैसुमा कुंता व अत्बिस सय्यातल हसना तमहुहा व खालिकिन नास बिखुलुकिन हसन। अबू जर गिफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाया कि जहां कहीं भी हैसुमा कुंत, जहां कहीं भी है अल्लाह का तक्वा इख्तियार कर, अल्लाह से डर के रह, यह एहसास अपने दिल में पैदा कर कि मैंने अपने खालिक हकीकी से, अपने मालिक हकीकी से खौफ रखना है, डरना है, उसकी नाफरमानी वाला कोई काम नहीं करना मैंने। वअत्बिअ सय्यातल हसना, अगर कोई बुराई हो जाए तो फिर उसके बाद नेकी कर, तमहुहा, तेरी वो नेकी तेरी उस बुराई को मिटा देगी। और लोगों के साथ मुआमला करना है तो हुस्ने खुलक वाला कर। ये तीन नसीहतें, ये तीन वसीयतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बयान फरमाई। और नमाज के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि ये समझ के पढ़ो कि
कि ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज है, इसके बाद पता नहीं अगली नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा। जितना इसमें खुशू कर सकता हूं, जितना खुशू कर सकता हूं, जितनी आजसी अपने रब से, जितनी मैं दुआएं मांग सकता हूं, जितनी रब के सामने फरियादें कर सकता हूं कर लूं। जुबान से तीन चीजों में ना बड़ा ख्याल करना पड़ेगा बंदे को। पहली चीज, ये जुबान से बोला हुआ लफ्ज कलिमा, हर अपनी बात पे गौर करे, तवज्जो दे कि मैं ये जो कलमा बोल रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं, कहीं अल्लाह की नाराजगी वाली तो नहीं। सही बुखारी में हदीस आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها। बस औकात ऐसा होता है कि बंदा कोई बात अपने मुंह से कह देता है लेकिन ध्यान नहीं देता, गौर नहीं करता कि मेरी इस बात में अल्लाह की कितनी बड़ी नाफरमानी हो गई है, कितना बड़ा मैंने गुनाह कर लिया है। फयहवी बिहा फिन्नार अबअद मा बैनल मशरिक वल मगरिब। तो इस एक कलमे की वजह से, एक बात अपनी जुबान से निकालने की वजह से बंदा जहन्नम की गहराई में इतना नीचे चला जाता है जितनी मुसाफत मशरक और मगरब के दरमियान है, सिर्फ एक बात। और कुरान में भी अल्लाह ने ये बात इरशाद फरमाई है, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। एक तो अल्लाह रकीब है ना जी, एक रकीब अल्लाह ने किरामन कातिबीन को भी बना के हमारे कंधों पे बिठा दिया है। वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। ये किरामन कातिबीन लिख रहे हैं, जो भी लफ्ज़ जुबान से अदा होता है वो तैयार बैठा है, वो लिख रहा है। दूसरी चीज है अमल, जो भी मैंने अमल करना है तो अपने जहन में ये सोच के करना है, ये मेरा अमल मेरे अल्लाह के सामने है, मेरी ये नेकी, मेरा या गुनाह, मेरा या अच्छा या बुरा अमल जो भी मैं कर रहा हूं, मुझे पैदा करने वाला, मेरी जान का मालिक, मुझे रिस्क देने वाला, मुझे बेशुमार नेमतों से नवाजने वाला, वो मुझे देख रहा है, वो रिकॉर्ड कर रहा है, वो सुन रहा है। मैं जहां मर्जी छुप जाऊं, जिस मकान और जगह पे मर्जी चला जाऊं, अल्लाह ने क्यामत वाले दिन उस जगह को कह देना है, यौम इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा। सूरह ज़िलज़ाल पढ़े ना जी, ये जमीन बताएगी अल्लाह बंदे ने ये किया था मेरे ऊपर। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौम इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा। ये शहादतें देगी, ये गवाहियां देगी, किरामन कातिबीन गवाहियां देने वाले, जमीन गवाहियां देने वाली। और तो और अल्लाह फरमाते हैं, ये जो तुम्हारे आज़ा है ना जी, इनका मालिक कौन है? ये हाथ, ये आंखें, ये पांव, ये पेट, ये जिस्म का एक एक उज़्व अल्लाह की मलकियत है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। ये जिन आज़ा की खातर हम अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं, जिन्हें राहत और आराम पहुंचाने के लिए हम अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को भूल जाते हैं, जिस पेट को भरने के लिए हम हलाल और हराम के फर्क को भूल जाते हैं, और जिस नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह हमें महफूज रखे, जिन्स की लज्जत को हासिल करने के लिए हम बदकारियों और जिनाह वाले कामों की तरफ चल पड़ते हैं, ये जिस्म के आज़ा। اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون। सूरह यासीन में अल्लाह फरमाते हैं, आज हम मोर लगाने के, मुंह पर मुंह तो सी दिया जाएगा ना, मुंह पे मोर लग जाएगी, फिर कौन बोलेगा? फिर हाथ बोलेंगे, फिर पांव बोलेंगे, फिर रानें बोलेंगी,
फिर जिस्म का एक एक उज्व बोलेगा। बुखारी मुस्लिम में हदीस आती है, जब ये सारे आज़ा बंदे के खिलाफ शहादतें दे देंगे ना जी, फिर बंदे का मुंह खोल दिया जाएगा तो बंदा क्या कहेगा, बुअदल्लकुन सुकल्लकुन फानकुन उनाजिल, तुम्हारे लिए दूरी हो, तुम्हारे लिए हलाकत हो, तुम्हारे लिए तबाही हो, बर्बादी हो, अपने आप को कोसेगा, अपने आज़ा को गालियां देगा, मैं तुम्हें ही तो बचाने के लिए झगड़ रहा था, दिफा कर रहा था, अल्लाह के सामने अपनी हुज्जतें पेश कर रहा था और तुमने उल्टा मेरे ही खिलाफ गवाही दे दी। जवाब क्या मिलेगा, अंतकनल्लाहुल्लज़ी अंतका कुल्ल शय, हमें तो उस खालिक़े कायनात ने बुलवाया जिसने कायनात की हर चीज़ को कुव्वत गोयाई अता फरमाई है। तो ये मुराकबा हर वक्त इंसान के ध्यान में तवज्जो में होना चाहिए। एक मुराकबा सूफिया के यहाँ भी चलता है, पढ़ा होगा शायद आपने किसी जगह पर कि जी फलां साहेब या फलां वलीउल्लाह या फलां शख्सियत जो है वो मुराकबे में चले गए। अब वो किसी से बात नहीं करेंगे, वो किसी और ही आलम के अंदर चले गए हैं, उनका ध्यान उनकी तवज्जो कहीं और चली गई है और वहां से वो हिदायत लेते हैं, कशफ के जरिए, इल्हाम के जरिए, विजदान के जरिए और ख्वाबों के जरिए वो हिदायत लेकर फिर कुछ बताते हैं। मोहतरम भाइयों, ये सारी खुद साख्ता फर्जी और मनगढ़ंत बातें हैं। दीन इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा हो गया, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आसमान से वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया, इन नबुव्वत व रिसालत कद इनक़तअत, वही जो लेके जिब्रील आते थे उन्हें आना बंद कर दिया। फला नबी बादी वला रसूल, अब कोई पैगाम नहीं आएगा, अब कोई रसूल नहीं आएगा, अल्लाह की तरफ से दीन की कोई बात किसी को ख्वाब या इल्हाम या कशफ या विजदान के जरिए नहीं बताई जाएगी। ये फिर फर्जी किस्से और कहानियां घड़ घड़ के लोगों को पता नहीं किस लाइन पे लगा दिया है और दीन के करीब करने की बजाय दीन से बहुत ज्यादा दूर कर दिया है इन लोगों ने। वो दीन जो काल अल्लाह और काल रसूल है, जो वही इलाही का नाम है, जो किताबो सुन्नत का नाम है, उसमें इस तरह के मुराकबे का, विजदान का और ख्वाबों की बुनियाद पर दीन लेने या दीनी मसाइल अखज करने का कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता। हाँ, नबी का ख्वाब अगर हो तो वो बरहक है, वो सच है, रुयल अंबिया वहीहुन, मेरा या आपका ख्वाब या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के बाद किसी उम्मती का ख्वाब, वो दीन में दलील नहीं बन सकता, हुज्जत नहीं बन सकता। हाँ, ये अल्लाह के नबी ने फरमाया बुशरा मिन अल्लाह, कोई इशारा हो सकता है, कोई खुशखबरी आपको दिखाई जा सकती है, तो उसका हल बताया क्या करना है आपने। तो रकीब अल्लाह की सिफत है और हमने मुराकबा करना है, यानी इस सिफत को हर वक्त अपने दिलो दिमाग में रखना है और अपनी जिंदगी फिर इस नहज पे गुजारनी है कि मेरा हर अमल रिकॉर्ड हो रहा है। आजकल लोग किसी प्रोग्राम में जाते हैं या कोई गलत काम अल्लाह माफ़ फरमाए करने की कोशिश करते हैं ना, तो फौरन भाई किसी का कोई मोबाइल तो ऑन नहीं है, कोई वीडियो तो नहीं बना रहा है, कहीं को मेरी वीडियो वायरल ना कर दे। आजकल लोगों को ये डर होता है ना, वही बात ना, यस्तखफून मिनन्नास, लोगों से तो छुप रहे हैं, छुप छुप के गलत काम किए जा रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, छुप के झूठ बोल रहे हैं, तो इस सफाई से कोई पकड़ न ले, धोखा दे रहे हैं तो इस अंदाज से
कि मेरे धोखे का किसी को पता ना चले। वला यस्तखफून मिन अल्लाह, अल्लाह का डर ही नहीं है। अल्लाह की सिफत रकीब हमसे यही तकाजा कर रही है कि ये कैफियत अपने अंदर पैदा करें। इन्नहु यराक, वो देख रहा है। इन्नहु यराक हीन तकूम व तकल्लुबक फिस्साजिदीन। अच्छा, ये काम तो हम नहीं करते इल्ला माशाल्लाह, अल्लाह से दुआगो रहते हैं कि अल्लाह हमारी कमियां कोताहियां दूर करे। हम क्या करते हैं, बजाते खुद रकीब बनने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें नहीं बनना। अब रकीब का दूसरा माना भी समझ लें, यह रकीब अरबी जबान वाला। उर्दू जबान में रकीब किसी और माना में इस्तेमाल होता है, वो हसद के माना में, हासिद के, वो भी इस्लाम में जायज नहीं है। अरबी जबान में रकीब निगरानी करने वाला, खबरगिरी करने वाला, देखभाल करने वाला, बाज पुरस करने वाला, जजा और सजा देने वाला, माजी हाल और मुस्तकबिल पे नजर रखने वाला, ये अरबी का माना है। और ये माना सिर्फ अल्लाह की जात पे सादिक आता है। बंदे को ये काम नहीं करना चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, फ़ज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर। ए नबी, आप नसीहत कीजिए। आपका काम क्या है, आप नसीहत करने वाले हैं। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आपको इनके निगरान नहीं मुकर्रर हुए, आपने इन पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी, आपने इनके ऐब तलाश नहीं करने, आपने इनकी कमजोरियां नहीं ढूंढनी, आपने इनके ईमान और कुफर के फैसले नहीं करने, आपने इनको जन्नत और जहन्नम के टिकट जारी नहीं करने, आपने किसी को मुखलिस या मुनाफिक डिक्लेयर नहीं करना। बल्कि कुरान में भी आप देख लें, अल्लाह का अंदाज यही है, मुनाफिकीन की अलामात बताई हैं लेकिन नामिनेट नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद खतरात के पेश नज़र कुछ मुनाफिकीन के नाम अल्लाह ताला ने बताए थे, लेकिन आपने फिर वो उम्मत के सामने उनका इजहार नहीं किया, पर्दे रखे हैं अपनी उम्मत के। हमें भी यही कहा गया है कि आपने भी पर्दे रखने हैं। किसी को बुराई, किसी का कोई जुर्म, किसी का कोई गुनाह अगर आप देख लें तो पहला काम तो ये करना है कि इस्लाह की कोशिश करनी है। अल मोमिन मिरआ तो अखील मोमिन, मोमिन अपने मोमिन भाई का आईना होता है। और आईने का काम क्या है कि जिस्म पर लगी मैल कुचैल, लिबास पर लगे दाग, बालों की परागंदा हालत, लिबास की सलवटें, वो आपको दिखा देता है और आप अपनी इस्लाह कर लेते हैं। ये काम हमने करना है। इसको कहते हैं अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर, यानी नेकी का हुक्म और बुराई से रोकना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से, ये फरीजा, ये जिम्मेदारी सबकी, ये करना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि रकीब नहीं बनना तो आंखें बंद कर लेनी है, किसी को कुछ कहना नहीं है, जो चाहे मर्जी करता फिरे। एक सोच ये भी बन गई, मुझे क्या, मैं नेकी कर रहा हूं ठीक है, हर किसी का अपना अपना दीन है, हर किसी का अपना अपना मजहब है, हर किसी का अपना अपना मसलक है, जहां कोई लगा हुआ है लगा रहने दो, ये सोच भी गलत है। दीन, अगर दीन इस्लाम को मानने वाले हैं तो वो सिर्फ एक है और वो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर का फरीजा सर अंजाम देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, लेकिन रकीब बनने का हक इस्लाम ये मुझे या आपको नहीं देता। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, नबी से कहा जा रहा है आपको निगरान नहीं है। हाँ, तज़कीर आपने करनी है, इन इलैना इयाबहुम सुम्मा इन अलैना हिसाबहुम, बाकी फैसले वो सुनाने का इख्तियार हमें, लौट कर इन्होंने हमारे पास आना है और फिर हम इनसे हिसाब व किताब लेंगे। वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन
शर्रन यरा, इसलिए इस्लाम मना करता है ला तहस्ससु, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, किसी की टो मत लगाओ, किसी के बारे में बदगुमानी दिल में कायम मत करो, ये तो आप रकीब बन रहे हैं उसके। इयाकुम वज़्ज़न फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस, बदगुमानी से बचो, बदगुमानी सबसे झूठी बात है। ला तजस्ससु, तहस्ससु अलग कहा, तजस्ससु अलग कहा, तहस्सुस होता है खुद किसी की टो लगाना और तजस्सुस होता है किसी को कहना, नजर रखना भाई, इस्लाम इन दोनों चीजों से मना करता है। या माशर मन आमना बिलिसान ही वलम यदखुल ईमानु फी कल्बी, सुनन नबी दाऊद की रवायत है, नबी सल्लम फरमाते हैं ए उन लोगों की जमात जो जुबान से तो मुसलमान हो गए लेकिन अभी तक ईमान दिलों में दाखिल नहीं हुआ। ला तग्तबुल मुस्लिमीन वला तत्तबिउ औरातहिम, लोगों के पर्दों वाली बातें इनका पीछा मत करो, लोगों की कमजोरियां मजलसों में बुराइयां बयान मत करो, ना मजलसों में बयान करना जायज है ना मुंह पर बयान करना जायज है। कई लोग कहते हैं जी मैं तो मुंह पे कहता हूं, मुंह पे कहना जायज है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़ातिल लुमज़ा, ये हुमज़ा और लुमज़ा कौन है जिनके लिए अल्लाह मारे, वहील है, तबाही है, बर्बादी है, ये हुमज़ा और लुमज़ा यही है, तेरे अंदर ये ऐब है, तेरे अंदर ये बुराई है, तेरे अंदर ये कमजोरी है, लोगों को उनकी बुराइयां याद दिलाकर उन पर नुकताचीनी करना, उन पर तनकीद करना। और ये काम हो रहा है ना जी आजकल, तो बड़ा इसका जोर शोर है, चर्चा है, सियासत का बाजार गर्म है, एक दूसरे की कमजोरियां ढूंढी जा रही हैं। और जनाब साहब अब तुम अल्लाह माफ फरमाए मौलवी भी शुरू हो गए इसी काम पे लग गए। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी जुबानों की हिफाजत फरमाए। मोहतरम भाइयों अपनी जुबान को बचाएं इन चीज़ों से, सियासत का बाजार गर्म हो रहा है, ये इलेक्शन करीब आ रहे हैं और एक लोगों की कमजोरियां और बुराइयां और ऐब जोइयां, इसका न ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू पहले भी है और अब जोर पकड़ रहा है। अल्लाह फरमा रहे हैं वैलुल लिकुल्लि हुमज़ातिल लुमज़ा, वैल की वईदें सुनाई जा रही हैं, जहन्नम की वईदें, तबाही और बर्बादी की वईदें, रोका जा रहा है। ला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, ला तग़्ताबुल मुस्लिमीन, ये छुपी हुई चीज़ें मुसलमानों की मत ढूंढो, लोगों की निजी जिंदगी, प्राइवेट जिंदगी, पर्सनल लाइफ, उसका पीछा मत करो, छोड़ दो ये सिलसिले, लोगों की बुराइयां ढूंढ ढूंढ के लाना और ये जनाब सब स्टोरियां बनाना है। मीडिया वाले इस इंतजार में होते हैं ना किसी की स्टोरी मिले और मिर्च मसाला लगाकर उसे फिर अपने चैनल पे चढ़ा के रेटिंग बढ़ाई जाए। अल्लाह फरमाते हैं जो बंदा इस काम पे लग जाता है, मन यत्तबे औरातिल मुस्लिमीन यत्तबिअल्लाहु औरतहु, अल्लाह फिर उसके पर्दे खुद चाक करता है। यफ़ज़हु, अल्लाह उसे सरे बाजार रुसवा करता है, फिर वह फी बैती, वो घर में छुप कर भी बैठ जाए ना अल्लाह उसको रुसवा करेगा। ये मकाफात अमल का कानून अल्लाह का कानून है, जिस तरह अल्लाह फरमाते हैं ना अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि नेकी का बदला एहसान का बदला एहसान होता है, इसी तरह अल्लाह ये भी फरमाते हैं कि बुराई का जो इंजाम है वह बुरा ही होता है। इन अहसनतुम अहसनतुम लिअन्फुसिकुम व इन असातुम फलाहा, भुगतना भी पड़ेगा। तो ये तजस्सुस और ये तहस्सुस और ये हुमज़ा और ये लुमज़ा वाला किरदार और ये गीबतें और ये चुगलियाँ और ये जो हम रकीब, अच्छा रकीब भी फिर दो तरह के जो हम बनते हैं ना जी, दो तरह के रकीब, एक है हम लोगों की दुनिया के रकीब बनते हैं, ये दुनिया की रकाबत है ना जी, कमजोरियां ढूंढनी, सामने लानी, टो लगानी, बदगुमानियां पैदा करनी, जासूसियां करनी, नीचे गिराना, टांगें खींचनी, झगड़े करवाने, ये लोगों की दुनिया के रकीब हम बन रहे हैं। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, हम तो लोगों की आखरत के रकीब भी बन जाते हैं, हम तो लोगों की आखरत के रकीब भी बन जाते हैं, लोगों की जन्नत और जहन्नम के फैसले भी करने लग जाते हैं। मुसनद अहमद की हदीस है,
जमजम बिन जौस अल यमानी, जमजम बिन जौस अल यमामी, यमामा एक इलाका है वहाँ के रहने वाले थे और ताबी हैं रहिमहुल्ला। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द हैं। तो अबू हुरैरा अपने शागिर्द से कहते हैं, या यमामी, ए यमामी, कभी किसी इंसान से ये बात न कहना, ला यग़फिरुल्लाहु लका, अल्लाह तुझे कभी नहीं बख्शेगा, ला युदखिलुकल्लाहु अल्जन्ना, अल्लाह तुझे जन्नत में दाखिल नहीं कर, ये बात कभी ना किसी से कहना। तो आगे से शागिर्द कहता है, हम तो जब एक दूसरे से गुस्सा करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो ये बात गुस्से में मुंह से कभी कभी निकल जाती है, भाई तेरी बख्शिश को नहीं होनी, तूने को नहीं जन्नत में जाना, मैंने नहीं जाने देना तुझे, गुस्से में ये बात लोग कहते हैं। अबू हुरैरा कह रहा है कि लोग कहते हैं तो कहते फिर, तूने किसी से नहीं कहना, मैं तुझे हदीस सुनाता हूँ। फिर हदीस सुनाई, समय तो अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबुल कासिम रसूलुल्लाह की कुनियत थी, मैंने अबुल कासिम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी है। कान फी बनी इसराइल रजुलान, बनी इसराइल का एक वाक़या आपने सुनाया, दो आदमी थे, अहदुहुमा मुज्तहिदुन फिल इबादा, एक बड़ा आबिद जाहिद इबादत के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला, नेक साले, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करने वाला, नेकी के कामों में आगे बढ़ने वाला, और दूसरा उसका साथी, उसका दोस्त, उसमें कुछ कमियां थी, कोताहियां थी, मुकसिर। तो जब वो उसकी कमियां कोताहियां देखता, उसे समझाता, उसे नसीहत करता और उसे कहता अक्सर बस कर दे अब, तो एक दिन गुस्से में आ गया और गुस्से में आके उसने ये कह दिया, अल्लाह की कसम, अल्लाह तो तुझे नहीं बख्शेगा, अल्लाह तो तुझे जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। अल्लाह ने फरिश्ता भेज दिया, मलकुल मौत आ गया, फ़क़बज़ अरवाहुमा, दोनों की रूहें कब्ज़ हो गईं, अल्लाह ने अपने सामने खड़ा कर लिया। और वो जो ख़ताकार अल्लाह का बंदा था, उसे कहा, इज़हब फ़दखुल जन्नत बिरहमती, तू तो जाना और मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो जा। और जिसने ये कसम उठा के बात कही थी, उसे कहा, अकुंता अला माफ़ी यदि कादिरन अकुंता भी आलमन, क्या तू मेरे बारे में ज़्यादा जानता है, मेरे हाथ में जो कुछ है क्या इसकी कुदरत तुझे है, इज़हबू बिही इलन नार, ले जाओ इसको जहन्नम की आग की तरफ। उस मौके पे ये वाक़या सुनाने के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, वल्लदी नफ्सु अबिल कासिम बियदिही, कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, लतकल्लम बिकलिमतिन, उसने एक बात कही, एक लफ्ज़ बोला, औ बकत दुनिया हु आखिरतहु, और उस एक लफ्ज़ ने उसकी दुनिया भी तबाह कर दी, उसकी आखिरत भी तबाह कर दी, एक लफ्ज़ ने। तो मोहतरम भाइयों, हमें रकीब नहीं बनना, अल्लाह को रकीब समझें, हर वक्त दिलो दिमाग में ये ख्याल रखें, मेरा हर अमल, मेरी हर बात, मेरा जाहिर, मेरा बातिन अल्लाह से छुपा हुआ नहीं है, अल्लाह की तरफ ध्यान रखें, लेकिन खुद रकीब बनने की कोशिश मत करें, ना लोगों की दुनिया के रकीब बने, ना लोगों की आखिरत के रकीब बने। सही बुखारी की एक हदीस सुना के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रसूलुल्लाह के बड़े जलालुद्दीन सहाबी, मुहाजिर सहाबी, मक्का से हिजरत करके मदीना आए, थोड़े अरसे बाद बीमार हो गए और तभी मौत उनको आई, फौत हो गए, और बड़े मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के आए, मुखलिस मुसलमान मोमिन। तो जहाँ वो रहते थे वहाँ पड़ोस में एक सहाबिया उम्मुल आला अल अंसारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका घर था। तो रसूलुल्लाह ने जनाजा पढ़ाया तो उम्मे आला क्या कहती हैं, अल्लाह अकबर, मैं गवाही देती हूँ या अब्बस साहिब, ये उस्मान बिन मसून की कुनियत थी, अब्बस साहिब, अल्लाह की तुझ पे रहमतें हो गई, अल्लाह ने तुझे जन्नत के दाखले दे दिए, शहादती अलैक लकद अकरमक अल्लाह, अल्लाह ने तुझे बड़ी इज्जतें दे दी हैं। रसूलुल्लाह ने ये बात सुन ली,
फरमाया तुझे किसने बताया अल्लाह ने उसे इज्जतें दी, क्या दी है? तुझे किसने बताया है कि अल्लाह ने उसे इज्जतें दी हैं या क्या दिया है, क्या मामला अल्लाह ने उसके साथ किया है? उम्मुल आला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करने लगी, अल्लाह के रसूल अगर अल्लाह उस्मान बिन मज़ऊन को इज्जत नहीं देगा तो फिर किसको देगा? फरमाया उम्मीद हम यही करते हैं कि अल्लाह ने उसके साथ खैर का मामला किया होगा। ये जो तू डंके की चोट पे गवाहियां दे रही है उसके जन्नती होने की या उसके इज्जतें देने की, ये इख्तियार तुझे किसने दिया है? मा अदरी मा उफालू भी, मैं तो ये भी नहीं जानता मेरे साथ क्या होगा। तो हम किसी की जन्नत या जहन्नम के फैसले कैसे कर सकते हैं? ये डांट दिया अल्लाह के नबी ने अपनी उस साहबिया को। तो ना लोगों की दुनिया के रकीब बने और ना लोगों की आखिरत के रकीब बने। हाँ, रकीब अल्लाह की सिफ्त है, उसी के लिए रहने दें। और उस सिफ्त का जो मफहूम है वो अपने जहनों में अपने दिलों में समझें कि आपका कोई अमल अल्लाह से मख्फी नहीं है, कायनात का कोई गोशा चप्पा ऐसा नहीं है जहां अल्लाह से छुपकर आप कोई नेकी या कोई गुनाह कर सकें। या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तन्फुज़ू मिन अक्तारिस समावाति वल अर्दी फन्फुज़ू। अल्लाह ने चैलेंज दिया है सूरह रहमान के अंदर, ए जिन्नों और इंस की जमात, अगर ये कायनात के किनारों से बाहर जाके कोई काम करना चाहते हो ना, चलो आ जाओ, चले जाओ, नहीं जा सकते, तुम्हारे बस में ही नहीं है। इस सारी कायनात और इसके बाहर भी, वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। अल्लाह हम सबको ये मुराकबा नसीब फरमाए और अल्लाह हमें अपने उयूब देखने की और उनकी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए और लोगों का रकीब बनने से अल्लाह बचाए। और जब इंसान अपने ऐप देखता है ना जी, तो फिर अपनी कमज़ोरियों का एहसास होता है। तो अपने उयूब पे नज़र रखनी चाहिए और अल्लाह से माफ़ी का तलबगार होना चाहिए। और लोगों के अयूब पे नज़र रखें तो इस्लाह की कोशिश करें, दावत दें, अमर बिलमारूफ नहीं अनिल मुनकर का फरीज़ा से अंजाम दें, सत्र मुस्लिम की कोशिश करें, एहतराम मुस्लिम की कोशिश करें, अच्छा उसलूब दाई को इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।